फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वॉलनट चॉकलेट ब्राउनी। कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं या पार्टी होती है तो पहले से हम ये चॉकलेट ब्राउनी बना के रख सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं चॉकलेट ब्राउनी। वॉलनट चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप मैदा, आधा कप पाउडर शुगर और साथ में 1/4 कप मिल्क, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, चॉकलेट चिप, वॉलनट और 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है और साथ में वेनिला एसेंस लिया है। सबसे पहले हम केक मोल्ड को बटर लगा के ग्रीस करके लेंगे और ऊपर से थोड़ा मैदा डालेंगे ताकि हमारी केक अच्छी तरह बने और चिपक न जाए। ग्रीस किया हुआ मोल्ड हम साइड पे रखेंगे। अब हम ब्राउनी बनाने लेंगे। ब्राउनी बनाने के लिए एक बाउल में हम मेल्टेड बटर डालेंगे, उसमें कोको पाउडर डालेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ में पाउडर शुगर डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह मिक्स करना है और ऊपर से बेकिंग पाउडर डालेंगे और मैदा डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के सारी चीजों को मिक्स करेंगे। इसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऊपर से वॉलनट डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बैटर में हमने बटर लिया है, बटर की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। बैटर हमारा इस तरह तैयार हुआ है। ये बैटर को हम मोल्ड में निकालेंगे, इसे हम ओवन में रखेंगे। ब्राउनी को हम 170 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, केक हुई कि नहीं हम चेक करेंगे। केक को होने को अभी और 5 से 10 मिनट लगेंगी। अब हम ऊपर से थोड़ा चॉकलेट चिप्स डालेंगे। हमने पहले से चॉकलेट चिप्स नहीं डाली ताकि हमारी चॉकलेट चिप्स पूरी पिघल न जाए। इसे हम 5 से 10 मिनट और होने देंगे। केक हमारा बनके तैयार है, इसे हम 10 मिनट ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम सर्विंग प्लेट में आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चॉकलेट ब्राउनी हमारी बनके तैयार है। इसे हमने छोटे टुकड़ों में काट के लिया है। ब्राउनी को हमने सर्विंग प्लेट में निकाला है। ऊपर से वेनिला आइसक्रीम रखेंगे और ऊपर से चॉकलेट सॉस डालेंगे और चॉकलेट चिप से सजाएंगे। ब्राउनी हमारी खाने के लिए तैयार है, इसे हम खा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।